हेलो फ्रेंड्स, यू आर अगेन वेलकम इन नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ हिमेटोलॉजी क्वेश्चन। पहले भी हमने एक पार्ट बना चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। सो क्वेश्चन सिक्स है, ए नर्स इज़ रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ क्लाइंट हु अंडरवेंट ए बोन मैरो बायोप्सी। एक पेशेंट का बोन मैरो बायोप्सी हुआ था और उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट है, द फाइंडिंग दैट वुड मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट अ डायग्नोसिस ऑफ अक्यूट ल्यूकेमिया इन द प्रजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर। तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, क्वेश्चन को पूछा है कि एक्यूट ल्यूकीमिया में क्या होता है, मतलब क्या प्रेजेंट होना चाहिए लार्ज नंबर में तो आप सस्पेक्ट करोगे एक्यूट ल्यूकीमिया। सो ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसाइट, टू लार्ज नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट, थ्री बैसोफिल एंड फोर ल्यूकोसाइट। सो हेयर इज राइट आंसर इज फोर द ल्यूकोसाइट। इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट है बोन मैरो बायोप्सी में, इट मीन्स पेशेंट हैज ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया। इसका रैशनल हम देख लेते हैं। ल्यूकीमिया इज मैनिफेस्ट बाय एन एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स इन द बोन मैरो। और बाकी जो ऑप्शन है उनके भी रैशनल है हमारे पास। द फर्स्ट ऑप्शन वॉज मोनोसाइट, सो इसमें बोला है एन इंक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट मे रिजल्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, वो ल्यूकीमिया में नहीं बढ़ते हैं। एन इंक्रीज नंबर ऑफ बैसोफिल मे रिजल्ट फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन। ए लार्ज नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट इंडिकेट पॉलीसाइथीमिया वेरा। सो अगर ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है, ओवर प्रोडक्शन है वो ल्यूकोसाइट का, तो इट मीन्स ल्यूकीमिया। मोनोसाइट वायरल इन्फेक्शन में भी बढ़ सकते हैं, बैसोफिल एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट पॉलीसाइथेमिक वीरा में कंडीशन में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन फार्माकोलॉजी इंटरवेंशन शुड ए नर्स इंक्लूड इन द केयर प्लान ऑफ ए क्लाइंट हु हैज़ मॉडरेट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक पेशेंट का रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मॉडरेट कंडीशन है, सो उसमें आप क्या नॉन फार्माकोलॉजी इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन में भी करेक्ट। सो ऑप्शन वन मसाजिंग इनफ्लेम जॉइंट, अवॉइड रेंज ऑफ मोशन, नंबर थ्री अप्लाइंग स्प्लिन टू इनफ्लेम जॉइंट्स, नंबर फोर यूजिंग असिस्टिव डिवाइस एट ऑल टाइम, नंबर फाइव सेलेक्टिंग क्लोथिंग दैट हैज़ वेलक्रो फास्टनर्स, नंबर सिक्स अप्लाइंग मोस्ट हीट टू जॉइंट्स। राइट आंसर इज थ्री फाइव एंड सिक्स, थ्री फाइव एंड सिक्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अप्लाइंग स्प्लिंट्स टू द इन्फ्लेम जॉइंट, अगर स्वेलिंग हुआ है जॉइंट में तो स्प्लिंट अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टिंग क्लोथिंग दैट हैज वेलक्रो फास्टनर्स, मतलब ये ज़्यादा हार्ड क्लोथिंग नहीं, टाइटनेस नहीं होना चाहिए। अप्लाइंग मॉइस्ट हीट टू जॉइंट, मॉइस्ट हीट से उनका सिकाई कर सकते हैं। तो दीज आर ऑप्शन विच कैन अप्लाई, और जो बाकी के ऑप्शन अप्लाई नहीं करने हैं रूमेटॉइड में, लाइक मसाजिंग नहीं करना, रेंज ऑफ मोशन जितना पॉसिबल हो पेशेंट को करना चाहिए, यूजिंग असिस्टिव डिवाइस, हर टाइम असिस्टिव डिवाइस पेशेंट को नहीं पहनना चाहिए अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सिर्फ वॉकिंग और जब थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसी टाइम असिस्टिव डिवाइस पहनना चाहिए, अदरवाइज मसल वीकनेस होता है। सो वी हैव रैशनल आल्सो। सपोर्टिव नॉन फार्माकोलॉजी मेजर फॉर ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस इंक्लूड अप्लाइंग स्प्लिन टू रेस्ट इनफ्लेम जॉइंट। इनफ्लेम जॉइंट शुड नेवर बी मसाज बिकॉज डूइंग सो कैन एग्रेवेट इन्फ्लामेशन। नंबर थ्री ए फिजिशियन थेरेपी प्रोग्राम इंक्लूड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड केयरफुली इंडिविलाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रिवेंट लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन। और नेक्स्ट असिस्टिव डिवाइस शुड यूज ओनली व्हेन मार्क लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद एड्स एंड पीसीपी न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया। द क्लाइंट इज रिसीविंग एरोसोलाजाइड पेंटामाइन आइसीथियोनेट, इट्स अ टैबलेट इंजेक्शन, व्हाट इज द बेस्ट एविडेंट दैट थेरेपी इज सक्सेडिंग। कैसे पता एक पेशेंट है एड्स विद पीसीबी का, एड्स के साथ उसको न्यूमोनिया सिस्टिक
न्यूमोसाइटिक्स निमोनिया भी हो गया है उसका। आर्सोलेजाइट फेंटामिडीन आइसोथ्यूनिट चल रहा है। तो पूछा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इट्स सक्सीडिंग, कि इफ़ेक्टिव है टैबलेट। नंबर वन, सडन गेन इन लॉस बॉडी वेट। नंबर टू, वाइटनिंग ऑफ लंग फील्ड ऑन द चेस्ट एक्सरे। नंबर थ्री, इम्प्रूविंग क्लाइंट वाइटलिटी एंड एक्टिविटी टॉलरेंस। नंबर फोर, ए फेब्राइल बॉडी टेम्परेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। सो आंसर थ्री इज राइट आंसर, इम्प्रूविंग क्लाइंट वाइटलिटी एंड एक्टिविटी टॉलरेंस। अगर पेशेंट का वाइटल स्टेबल है एंड एक्टिविटी टॉलरेंस बढ़ रहा है, इट मीन्स इंजेक्शन और टैबलेट ऑफ आर्सोलेजाइट फेंटामिडीन न्यू आइसोथियोनेट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। व्हाट इज द रैशनल सी? बिकॉज ए कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ पीसीपी इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस। न्यूमोसिस्टिक निमोनिया की वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस होता है एंड लॉस ऑफ वाइटलिटी। अगर ये पेशेंट में इम्प्रूव हो रहा है, इट मीन्स इट इज इफेक्टिव। नेक्स्ट, ए नर्स इज डॉक्यूमेंटिंग हर केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है, सो उसमें कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? नंबर वन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नंबर टू, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। नंबर थ्री, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। नंबर फोर, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। सो राइट आंसर इज वन, impaired gas exchange. Hemoglobin is responsible for oxygen transport in body. Iron is necessary for hemoglobin synthesis. Iron deficiency anemia cause subnormal hemoglobin level. Iron जो deficiency होती है उसमें सब hemoglobin level कम हो जाता है, जिसकी वजह से which impaired tissue oxygenation and impaired gas exchange. Iron deficiency anemia does not cause deficit fluid volume and is less directly related to ineffective airway. Next question. Nurse is administering cyanocobalamin. It's a vitamin B12 to a client with pernicious anemia secondary to gastrectomy. Which administration route should the nurse use? Cyanocobalamin, it's vitamin B12. Iski deficiency ki wajah se pernicious anemia hota hai. पूछ रहे हैं कि इसको कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एक पेशेंट हैज़ परनीशियस एनीमिया। सो ऑप्शन वन, टॉपिकल रूट। ऑप्शन टू, ट्रांसडर्मल रूट। ऑप्शन थ्री, इंटरल रूट। ऑप्शन फोर, पैरेंटरल रूट। इंटरल रूट होता है जो एंट्री ट्यूब डायरेक्ट इंटेस्टाइन में रिलेट करते हैं, इंटरल रूट। सो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज आंसर ऑप्शन फोर, पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट से ही विटामिन B12 को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो हम इसका रैशनल देख लेते हैं। व्हाट्स द रैशनल? फॉलोइंग ए गैस्ट्रेक्टमी, अगर किसी पेशेंट का गैस्ट्रेक्टमी हुआ है, रिमूवल ऑफ स्टमक, द क्लाइंट नो लॉन्गर हैज़ इंट्रेंसिक फैक्टर अवेलेबल। तो इंट्रेंसिक फैक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 इज एडमिनिस्टर्ड पैरेंटरली। IM और डीप सबकुटेनियस ही हम इसको दे सकते हैं, आइदर IM और डीप सबकुटेनियस। टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट अवेलेबल एंड द इंटरल रूट इज अन अप्रोप्रिएट इन ए गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी पेशेंट को इंटरल रूट से विटामिन नहीं दिया जा सकता। सो राइट आंसर इज पैरेंटरल ओनली, आइदर IM और डीप सबकुटेनियस रूट से ही विटामिन B12 को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक और MCQs। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।